गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, और साथ ही साथ अगर ये अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ जाए तो यह शनि देव की उत्कृष्ट कृपा बरसाने वाली हो जाती है, पितृदोष से भी हमें मुक्ति मिलती है कुछ उपाय करके। इस बार 4 दिसंबर को शनिश्चरी अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण भी है, और ऐसे में यह दिन और दुर्लभ हो जाता है क्योंकि शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव। अमावस्या का ये जो पावन दिन होता है, इस दिन आपको शनिदेव की भी उत्कृष्ट कृपा मिलेगी और साथ ही साथ आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। आज के दिन हम आपको करने वाला बहुत ही उत्कृष्ट उपाय बताने वाले हैं जो आपको काले तिल से करना है और साथ ही साथ सरसों के तेल से करना है। ये सारे उपाय जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ये सभी प्रभावी उपाय हैं। ये आप शनिश्चरी अमावस्या के इस दिन पर आप कर सकते हैं। जीवन की तमाम तकलीफों को दूर करने के लिए ये उपाय उत्कृष्ट और सर्वोत्तम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है, लेकिन सोमवार, मंगलवार और शनिवार के दिन जो अमावस्या तिथि पड़ती है उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली अमावस्या इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है। इस बार 4 दिसंबर शनिवार के दिन अमावस्या तिथि है। शनिवार के दिन होने के कारण इसे शनिश्चरी अमावस्या कहेंगे या शनि अमावस्या भी कह सकते हैं। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजा पाठ का कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शनिवार का दिन जो है वो न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है, और शनिवार के दिन कुंडली में मौजूद शनि दोष के निवारण के लिए कई तरीके के उपाय किए जाते हैं। इस दिन उपाय करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन शनि देव की कृपा से आपको शनि पीड़ाओं से राहत मिलेगी, साथ ही साथ मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। कहते हैं कि शनि देव की दृष्टि से देव भी नहीं बच पाते, हम तो इंसान हैं। आइए जानते हैं शनिश्चरी अमावस्या के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना है ताकि आपका शनि दोष जो है आपको उससे राहत मिल जाए। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 3 दिसंबर को शाम को 4:55 से शुरू होकर के 4 दिसंबर दिन शनिवार को दोपहर में 1:12 तक होगी। ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या 4 दिसंबर को मान्य है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। आइए जानते हैं वो उत्कृष्ट उपाय कौन से हैं। सबसे पहला उत्कृष्ट उपाय ये है कि आपको शनिवार के दिन शनिश्चरी अमावस्या के इस पावन दिन पर आपको स्नान आदि करने के बाद यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए, नहीं तो आप शनिदेव की विधि पूर्वक आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या का जो दिन है वैसे तो वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, लेकिन शनिवार के दिन अगर ये है अमावस्या तो आपको शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको सरसों के तेल का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करेंगे? आप हो सके तो आपको ये तेल का जो दीपक है वो शनिदेव के मंदिर में जा करके आपको प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो उसके अंदर काले तिल भी डाल करके आपको वो दीपक प्रज्वलित करना चाहिए शनिदेव के सामने। ध्यान रखिए, शनिदेव का दर्शन करना चाहिए आज के दिन, और साथ ही साथ हो सके तो सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। जीवन की तमाम समस्याएं काले तिल आपके ऐसे ही हर लेंगे। हमारे शास्त्रों में काले तिल की उपमा अनंत बताई गई है, और अगर काले तिल से सरसों के तेल के अंदर काले तिल डालकर अगर शनिदेव का अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन से शनि दोष से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में अगर आपके शनि दोष है तो आपको अगर उससे मुक्ति पाना है तो आप शनिवार के दिन ही शनि देव के मंदिर में, देखिए शनि देव के मंदिर जहाँ कहीं भी आपके वहाँ पर मंदिर होगा, अगर वहाँ पर आसपास में पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर आपको जल अर्पण जरूर करना है। जल अर्पण करने के लिए आपको उसमें काले तिल अवश्य डालने हैं। काले तिल डाल करके ही आपको जल अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम नमः का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में अगर शनि दोष से अगर आप पीड़ित हैं, अगर आपके कुंडली में शनि दोष है तो आपको उससे राहत मिलेगी। अगर आपको शनि दोष नहीं है तो भी आप ये उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि शनिदेव की अमित दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा होनी चाहिए।
कहते हैं कि आज के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से बनी रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन कुत्ते वो रोटी खाते नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक रोटी बनाना है, बस आपको थोड़ा सा एक बूंद सरसों के तेल का आपको उसमें लगाना है और कुत्ते को खिला देना है, या आप कौवे को भी खिला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल और अद्भुत उपाय काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, और वो भी सरसों के तेल की। ध्यान रखें, रोटी बना लें और उसके बाद एक बूंद सरसों के तेल का आपको उसके अंदर लगा देना है और उसके बाद कुत्ते को खिला देना है। देखो, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसे में शनिवार के दिन, अमावस्या के इस उत्कृष्ट दिन पर हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। चमेली का तेल का दीपक, अगर चौमुखी दीपक जला सके तो बहुत ही उत्तम बात है। रात्रि के समय संध्या काल के बाद आपको जाना है और आपको वहां पर चमेली के तेल का दीपक जलाना है, दीप दान करना है, चौमुखी दीपक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी शनि दोष से राहत मिलती है और जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को काले तिल, काले वस्त्र, उड़द की दाल, जूते, चप्पल, कंबल, इन सभी चीजों का आप दान कर सकते हैं। कंबल का दान, अभी ठंड है तो कंबल का दान भी आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। देखिए, शनिश्चरी अमावस्या का सबसे उत्तम उपाय, बहुत ही प्रभावी उपाय है। शनि अमावस्या के इस उत्कृष्ट दिन पर आपको एक पात्र में, या कटोरी ले लें या प्लेट ले लें, उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। ध्यान रखें, थोड़ा सा आधा उसको भर लें और उसके बाद आपको क्या करना है, एक रुपये का सिक्का आपको लेना है और वो तेल के अंदर डाल देना है। ध्यान रखें, सिक्का जो है वो तेल के अंदर आपको डाल देना है, और अब आपको क्या करना है, आपका जो चेहरा है वो आपको तेल के अंदर देखना है, आपकी जो छाया है वो आपको तेल के अंदर देखना है, और उसके बाद आपको ये जो तेल है आपको किसी को दान कर देना है। किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको ये तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होगी, शनि के अशुभ प्रभाव से छुटकारा आप पा सकते हैं। यह उपाय बहुत ही उत्तम और सरल उपाय है। शनिवार के दिन आप कोई भी उत्कृष्ट उपाय कर सकते हैं। केवल सरसों के तेल, काले तिल से आप शनिदेव के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या की इस काली रात्रि में, संध्या काल में, आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी अमावस्या का जो दिन होता है, तो आपको भगवान विष्णु की भी माला गिननी चाहिए और साथ ही साथ लक्ष्मी माता की भी माला गिननी चाहिए। ओम श्रीम नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस